हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज के वीडियो में रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 के बारे में। रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में 1,25,000 रिक्त पदों को भरने के लिए नई रिक्रूटमेंट जारी की गई है। रेलवे द्वारा इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 लेटेस्ट अपडेट। रेलवे ने 1,25,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले रेलवे द्वारा कुछ रिक्तियां जारी की गई थी और तब से ही उम्मीदवार ग्रुप डी के लिए अधिसूचना की मांग कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा बंपर भर्ती की घोषणा की जा रही है। सूत्र के प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि यह ग्रुप डी के लगभग 1.25 लाख यानी 1,25,000 रिक्त पदों को भरने के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी की जा रही है। भर्ती की पात्रता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और परीक्षा पैटर्न से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में अपडेट कर रहे हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम पैटर्न ये सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। ये संभावना है कि अधिसूचना इस महीने के अंत तक जारी की जा सकती है। प्रेजेंट में ग्रुप डी की इस नोटिफिकेशन के लिए आयोग द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है, हमारी चैनल पर आपको इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, देखते हैं रिक्रूटमेंट की ओवरव्यू के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, यानी RRB। इसकी वैकेंसी का नाम ग्रुप डी वैकेंसी है और इसके लिए टोटल पोजीशंस 1.25 लाख यानी 1,25,000 पोजीशंस रखी गई है। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में 1,25,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाना है। तो जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर दे, अप्लाई कर दे और जब इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो और अप्लाई करने की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट पता चले तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना ताकि आप भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन पाए। रिक्रूटमेंट की जॉब पार्ट टाइप गवर्नमेंट जॉब्स है और जॉब की लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यानी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब लग सकती है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, जल्दी से नोटिफाई होने वाला है। तो जब भी नोटिफाई होगा तो हम इस चैनल पर वीडियो डाल ही देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। एग्जाम डेट अप्रैल में एक्सपेक्टेड लग रही है, ऐसा माना जा रहा है कि इसकी एग्जाम डेट अप्रैल 2024 में होगी। एग्जाम का मोड ऑनलाइन रहेगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrcb.gov.in है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करके आप इस रिक्रूटमेंट से जुड़े सारी इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में जानें, तो भारतीय रेलवे द्वारा समूह डी रिक्ति के लिए आवेदन करने वाले एप्लीकेंट की शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भारत सरकार और जनवरी 2024 तक मान्यता प्राप्त राज्य सरकार से कम 10th पास होनी चाहिए। छूट देने के लिए अलग प्रावधान किया जा सकता है। भर्ती में ऐसे उम्मीदवार शामिल होंगे जिनके पास ITI डिग्री या कुछ प्रकार की डिग्री है। शैक्षणिक योग्यता के संबंधित विशेष जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखनी होगी और उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। मिनिमम कोई भी एस्टेब्लिश्ड बोर्ड से वो एप्लीकेंट 10th पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो ITI पास है
जिनके पास ITI की डिग्री है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुई है, तो आपको इस नोटिफिकेशन की वेट करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कोई चेंज भी आ सकता है। रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में जाने तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लोगों की मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष रखी गई है, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स रखी गई है। इस एज लिमिट में जो आरक्षित वर्ग से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको एज लिमिट में छूटछाट भी सरकारी नियम अनुसार दी जाएगी। यानी फ्रेंड्स, जो भी एप्लीकेंट 18 से 35 वर्ष तक की अपनी एज रखते हैं, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की फीस कितनी रखी गई है उसके बारे में देखें तो महिलाओं और पुरुष उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फीस को सामान्य और OBC कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए 500 रुपये, SC ST और महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये रखा गया है। एप्लीकेंट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से आवेदन का भुगतान कर पाएंगे। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए जो जनरल कैटेगरी से और OBC कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी रहेगी। वहीं जो SC ST और महिला कैटेगरी में आने वाले एप्लीकेंट्स हैं, उन्हें 250 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी रहेगी। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी और उसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एक्सेट्रा का यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कैसे करना है, इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में। तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है उसके बारे में, तो हम इस वीडियो में अभी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के स्टेप बता रहे हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट को रेलवे बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। वहां पर होम पेज पर नवीनतम रिक्ति विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी की जो रिक्रूटमेंट है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां पर होगी, उसे डाउनलोड कर लेना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेनी है, अच्छे से चेक कर लेनी है। फिर अगर आपकी क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक कर लेना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, तो आपको उसमें सब अच्छे से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपकी नेम, आपका एज, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपको अच्छे से भर लेना है। साथ ही जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको अपलोड कर देने हैं। फॉर्म जमा कर ये सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अनुसार पे कर लेना है। और एप्लीकेशन फीस पे करने के बाद वहाँ पर आपको सबमिट बटन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप होगा उसमें शायद इस रिक्रूटमेंट की आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई की है उसका प्रिंट मांग सकते हैं, तो इन फ्यूचर आपको काम आ सके इसलिए इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप यू लाइक आर वीडियो एंड इफ यू लाइक आर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल। हम आप तक ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस, ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में खबरें पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।